नमस्कार, आगत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आसमा शेख, आइए जानते हैं आज दिन भर की खबरें। आज आगत न्यूज के संवाददाता ने एमएसईबी के एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से 8 करोड़ के ठगबाकी के बारे में बातचीत की। जानते हैं क्या कहना है एमएसईबी के एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चोंडे का। ठगबाकी न भरने की वजह से करना पड़ सकता है आम जनता को लोड शेडिंग का सामना। आज हम बात करेंगे एमएसईबी की तरफ से, जो उरण में एमएसईबी का जो हेड ऑफिस है, जिनके आते ही एमएसईबी के वरिष्ठ अधिकारी चोंडे साहब ने एक बहुत बड़ी माहिती और उसकी तह तक जाने के बाद में आज उरण तालुके को जो एमएसईबी सप्लाई होती है उसमें लाइट बिल का जो अनयूज होता है और उसका जो कलेक्शन होता है जो लोगों पे, जिसे हम ठगबाकी का एक नाम देते हैं, जो बिल ना भरने के बाद में एमएसईबी को उसका खामियाजा भोगना पड़ रहा है, लेकिन उसकी एक अमाउंट, एक लिमिट है जिसका आज तक 8 करोड़ रुपए का ठगबाकी, जो कि उरण तालुके से सटे हुए गांव में, उनकी ग्राम पंचायत में और लोगों के शहरों के जो यूज़ करते हैं उसकी ठगबाकी के बारे में हम बात करेंगे, और उन्होंने उस ठगबाकी के लिए क्या एक्शन, क्या कड़े तेवर अपना है, हम उनसे बात करेंगे। आइए जानते हैं चोंडे साहब से उनकी ज़ुबानी। ये लीगली एक्शन जो लिया है, जो 8 करोड़ की जो ठगबाकी है, जैसा कि एमएसईबी के ऊपर परिणाम हो रहा है ठगबाकी का और लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो जिस तरह से जैसे ग्राम पंचायत और अनेक ग्राम पंचायत पर इतना पैसा बाकी है, तो उसमें आपका क्या कड़ा तेवर रहेंगे? सर, अभी अपने उरण तालुका में नियर अबाउट 62 स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन है और उसकी एरियर्स नियर अबाउट 3.58 करोड़ है, और वो रिकवरी के लिए हमने हर एक ग्राम पंचायत को नोटिस भेज दिया है। अभी वो नोटिस का पीरियड ख़त्म होने के बाद संबंधित ग्राम पंचायत, ये वो पहले कैसा था, पहले जिला परिषद और ये भरते थे और शासन है ये इनके, अभी ये 50% बिल इनको भरना पड़ रहा है। ये पहले मार्च तक ये भरते थे, समझा, गवर्नमेंट, और मार्च के बाद इनको भरना है हर एक ग्राम पंचायत को। अभी हमने ये नोटिस भेज दिया है हर एक ग्राम पंचायत को, और ये नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद उनके तरफ से रिकवरी हम करेंगे। इसको जो ग्राम पंचायत को आप एमएसईबी के लोगों ने जो नोटिस दिया है, तो क्या आपको लगता है कि ग्राम पंचायत की नोटिस खत्म होने के बाद में वो सडनली लीगली तरीके से लाइट बिल भर सकती है? उसमें हम वन टाइम, कैसे है, अभी रकम ज़्यादा है एरियर्स की, उनको हम जो भी है, समझो ठगबाकी, समझो एक 1 लाख रुपए, उसमें एक 50% की सहूलत दे देंगे, एक इंस्टॉलमेंट दे देंगे, और ये महीने में समझो 50%, अगले महीने में 25%, ऐसा करके हम भरवा लेंगे उनके तरफ से। लेकिन ये ठगबाकी का असर क्या कर्मचारियों में और दूसरे अन्य जो इश्यूज, जो सामान जो आता है एमएसईबी का, उसमें देखने मिलता है? हो जाता है ना, इसलिए अपनी ये ठगबाकी की वजह से तो ये जो अपने को रेवेन्यू का जो प्रॉब्लम आता है वो फर्क पड़ ही जाता है ना, और लोगों की अभी मेंटेलिटी हो गई पैसे भरने की, भर रहे हैं बाकी के कैटेगरी के जो है। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं, आज 4 साल से लोड शेडिंग का प्रॉब्लम था उरण में, लोड शेडिंग का प्रॉब्लम अभी कम होते होते बहुत ही, मतलब 1% पे अभी रहा है। अभी इस तरह से अगर ठगबाकी अगर रिकवरी नहीं होगी तो क्या ये प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं? यस, समझो कलेक्शन नहीं हो गया तो लोड शेडिंग आ जाएंगे। अभी कलेक्शन का ये बाकी के कैटेगरी का रिस्पांस अच्छी तरह से है अपने को, लेकिन अभी ये भी इनके तरफ से मिल गया तो लोड शेडिंग नहीं हो जाएगी, और रिकवरी नहीं हो गई तो लोड शेडिंग और शुरू होने की संभावना है। मतलब कहीं ना कहीं घूम घूम फिर के बात वही आती है लोड शेडिंग के ऊपर। और अभी हम आपसे एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे कि जो गांव खेड़े के जो लोग जो रहते हैं, जो अपने घरों में एसी लगाते हैं और जो आंकड़े का सिस्टम, जो कि चोरी की लाइट लेते, उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? उसके बारे में अभी हमने चेकिंग शुरू कर दिया है, एक नया एजेंसी उसके लिए डेप्यूट किया है, और हमारे भी लोग उसमें चेकिंग चालू कर दिया है, और वो चेकिंग के हिसाब से अभी तक ये 31-32 थेफ्ट पकड़े हैं, और उन्होंने पैसे भी भर दिए हैं, और दो तीन लोगों ने पैसे भरना बाकी है, उनके अगेंस्ट FIR करने का काम चालू है। बहुत बहुत शुक्रिया आगा दूस से बात करने के लिए। अभी हम यही दिखाना चाहते हैं आप लोगों को कि हम जो लाइट जो चोरी करते हैं और जो लाइट की जो ठगबाकी रहती है, उसका कहीं ना कहीं असर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पड़ता है, और उनके जिस तरह से इनके आने से एक्शन में पूरी टीम एमएसईबी की टीम आई है, तो उसी तरह से आम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि किस तरह से एमएसईबी का जो कर्ज़ा हमारे ऊपर है, जिस तरह से लाइट का जो व्याज के सिस्टम में चलता है, वो किस तरह से अदा करें।
यही आगत आगत न्यूज़ की एक टीम यही दिखाना चाहती है आपको। आगत न्यूज़ से बात करने के चोंडे से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे में नीलेश के साथ तबरेज़।